मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। तस्वीरें कलवा जानकी नगर मयूरेश चाल क्रमांक 15 की है, जहां लोगों के घरों में किचन तक पानी भर गया है। चौल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चौल में लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, ये कलवा की तस्वीरें हैं जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। इसी तरह से मुंब्रा के शिमला पार्क में भी तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से रोड पर एक पेड़ गिर गया है। हालांकि ये पेड़ गिरने की वजह से किसी के भी इसमें चपेट में आने की खबर सामने नहीं आई है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। वही तेज बारिश होने की वजह से थाने के वागले में एक बड़ा सा बैनर गिर गया है। बताया जा रहा है कि रोड के किनारे ये बैनर लगाया गया था, मगर तेज हवाओं की वजह से ये बैनर गिर गया। मुमरा में शानू पठान और मर्जिया पठान की तरफ से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि मर्जिया पठान ने बताया है कि ज़रूरतमंद बच्चों को हर साल कॉपी बांटी जाती थी, और इस साल भी उसी तरह से ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी बांटी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गोंडा के इंटिया थोक के बेल भरिया में जाकिर मोहम्मद 75 साल और उनकी बीवी ननका 70 साल की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।